नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस, फिर चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, उसके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। याद रखिए, इस तरह के हम लोग अभी तक 62 आपके टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 63वां टेस्ट है। तो चलिए, हम लोग 63वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है? मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, उसके आखिर कारण क्या क्या है? कमजोर शासक, उत्तराधिकारी की लड़ाई, धार्मिक नीतियां, विदेशी आक्रमण। ये आपके चारों सही है। क्या है? चारों सही है। जैसा कि आपको पता होगा कि औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी इसके लिए पतन के लिए जिम्मेदार थे। उत्तराधिकार का जो युद्ध था वो भी, और औरंगजेब की जो नीतियाँ थीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार थी। और फिर खाली खजाना, साम्राज्य का आकार और क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौती भी मिल रही थी। और आक्रमण, जिसमें आपका नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप धन की आर्थिक निकासी हुई। इन आक्रमणों ने साम्राज्य की स्थिरता को नष्ट कर दिया। तो ये आपके चारों सही हैं। तो इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पाइका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाइका उड़ीसा के गजपति शासकों के किसान योद्धा थे। बिल्कुल सही है। विद्रोह को समाज के अन्य वर्गों का समर्थन नहीं मिला, ये आपका गलत है। बक्सी जगबंधु विद्रोह सेना का वंशानुगत प्रमुख था, ये सही है आपका। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें पाइकों को राजाओं, जमींदारों, ग्राम प्रधानों, साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ था, ठीक है। और ये आपका 1817 में प्रारंभ हुआ था, पाइका विद्रोह, ठीक है, याद रखिए। एक पॉइंट और याद रखना है हमेशा, जब भी आप लोग इन्हें देख लेते हैं कि इनमें से सही कौन सा है, तो इस कथन को भी पढ़ लिया करिएगा। क्योंकि अगर इसमें देखिए, अगर सही पूछ रहा है तो आपका 1 और 3 सही है, और अगर यही पूछता कि सही नहीं है तो इसमें आपका कथन 2 होता। तो इसमें कौन कौन सही है? 1 और 3, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आप लोग तीसरे क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों पर हमें विचार करना है। ये आपके आंदोलन हो गए और एक क्षेत्र हो गए। जैसा कि पता होगा कि आपका मोपला आंदोलन केरल से संबंधित है। खौंड विद्रोह, ये आपका गलत है, पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। सिंगपो विद्रोह असम से संबंधित है, ये सही है। भील विद्रोह छोटा नागपुर का पठार है, ये भी आपका गलत है। तो 1 और 3 इसमें सही है। क्या है? 1 और 3। जैसा कि आपको पता होगा कि मोपला विद्रोह राजस्व की मांग में वृद्धि और खेत के आकार में कटौती तथा अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न जैसे संयुक्त कारणों से केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपला किसान में असंतोष व्याप्त था। 1836 और 1854 के बीच 22 विद्रोह हुए थे, हालांकि इनमें से कोई भी आपका सफल नहीं हुआ पाया। और जो आपका खौंड विद्रोह था, याद रखिए 1837 से 1856 के बीच उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिलों तक फैले पहाड़ी इलाकों में खौंडों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। और जो आपका भील विद्रोह है, इसके बारे में याद रखिए कि आपका पश्चिमी घाट में रहने वाले भीलों का उत्तर और दक्षिण के बीच कि पहाड़ी दलों पर नियंत्रण था, ये उसी के आसपास हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या सम्मिलित था? 1 और 3, 1 और 3 सही सम्मिलित है। याद रखिए, इस तरह की जो भी आपकी पीडीएफ होती हैं वो आपका टेलीग्राम चैनल है, उसी पर डली रहती हैं, ठीक है, वहां से डाउनलोड करती रहिए। क्वेश्चन है हमारा 4। भारत में ब्रिटिश प्रशासन के दौरान इजारेदार शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है?
तो इसमें होगा वह व्यक्ति जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार हो। सी ऑप्शन सही होगा। आपको याद रखना है कि इजारेदारी प्रणाली वर्ष 1773 में बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू की गई थी, जिसके अनुसार राज्य को समस्त भूमि का मालिक माना गया। यह ब्रिटिशों द्वारा भारत में लागू की गई पहली भू राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली के तहत किसी विशेष क्षेत्र के राजस्व को इकट्ठा करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को होता था। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला सैन्य सिपाही विद्रोह था, बिल्कुल गलत है। सिख शासकों ने ब्रिटिश प्रशासन के प्रति निष्ठा दिखाई थी, ये सही है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1857 से पहले भी कई विद्रोह हुए आपके सैन्य, जैसा कि आपको पता होगा कि 1764 में बंगाल में सिपाहियों का विद्रोह, 1806 में बिल्लोर विद्रोह, 1824 में 47 भी नेटिव इन्फेंट्री यूनिट के सिपाही, 1825 में असम में ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह, 1838 में सोलापुर एवं भारतीय रेजिमेंट का विद्रोह। ठीक है, इसी तरह से आपके 1844, 49, 1850, 1852 में क्रमशः आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं NI, 66वीं NI, 37वीं NI ने सिपाही विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें केवल दूसरा कथन आपका सही था। क्या था? केवल दूसरा कथन सही था। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ये आपके GI उत्पाद हैं और एक राज्य है। कंदगी साड़ी तेलंगाना, ये गलत है। तौलो हो पुआन मिजोरम, सही है। तिरोड बित्तिला केरल, ये भी सही है। तो इसमें आपका 2 और 3 सही है, पहला गलत है, क्योंकि कंदगी साड़ी है जो यह तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुड़ी तालुक में विनिर्मित होती है। ठीक है, तो इसे तमिलनाडु की है, तमिलनाडु से संबंधित है, तो इसमें आपका 2 और 3 सही सम्मिलित था। अब चलते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। क्या है 7वां? निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह का के परिणाम है? एक व्यापारिक कंपनी से ब्रिटिश संप्रभु शक्ति को सत्ता का हस्तांतरण, सही है। भारतीय राज्यों के शासकों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई संधियों और समझौतों की समाप्ति, गलत है। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती, ये भी आपका सही है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने प्रशासन की प्रणाली और ब्रिटिश सरकार की नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किए। ब्रिटिश संसद ने 2 अगस्त 1858 को भारत में बेहतर प्रशासन के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। 1858 के कानून में से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत सचिव को दे दिया गया। यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। भारतीय देशी रियासतों के मामले में यह घोषणा की गई कि उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई सभी संधियों और समझौतों का सम्मान किया जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या था? सही कथन पूछ रहा है, तो 1 और 3 सही था। क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका सती प्रथा का उन्मूलन, फिर होगा आपका बोट्स
डिस्पेच, फिर होगा आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 4, फिर होगा आपका सारदा एक्ट 2, 3-1-4-2, 3-1-4-2। सती प्रथा का अनुमूलन आपका 1829 में हुआ, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया, और बाल विवाह पर नियंत्रण आपका 1872 में, शारदा अधिनियम 1930, वुड डिस्पैच आपका ऑन एजुकेशन ये 1854 में आया था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 3-1-4-2। बात करते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ये अमूर्त धरोहर है और ये आपकी राज्य रमन महाराष्ट्र गलत है, कुट्टेटम केरल सही है, मुद्येट्टू कर्नाटक ये भी गलत है, संकीर्तन मणिपुर ये आपका सही है। 2 और 4 सही सुन लेते हैं, इसमें 1 और 3 आपका गलत है, क्योंकि जो आपका रमन है एक धार्मिक त्यौहार और लोक नाट्य है जिसे उत्तराखंड, कहाँ, उत्तराखंड के चमोली जिले के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, याद रखिए। और जो आपका मुद्दीट्टू है यह आपका केरल का पारंपरिक लोकनाट, ये आपका मुद्दीट्टू कब होता है, ये होता है आपका केरल में, ठीक है, नवंबर दिसंबर में लोकनाट है। तो इस प्रकार आपका सही सम्मिलित था इसमें 2 और 4, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार प्रसार में शामिल है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला, ये तीनों हैं आपके, क्या है, तीनों हैं। तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन 1, 2, 3। क्वेश्चन है हमारा 11 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सूचीबद्ध हैं। तो जैसा कि आपको जयपुर है ही, वाराणसी है, हैदराबाद ही है, मुंबई भी है, अहमदाबाद नहीं है इसमें। तो 1, 2, 3, 4 सही है, ठीक है। वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर 2019 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के मुंबई तथा हैदराबाद समेत विश्व के 66 शहरों को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया है। मुंबई को क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म्स तथा हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है। इससे पूर्व भारत के चेन्नई 2017 में और वाराणसी आपका 2015 में, और जो जयपुर है ये आपका 2015 में शामिल किए गए थे। तो इसमें आपका सी था, 1, 2, 3, 4। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, भावना कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह बिहार का पारंपरिक कला रूप है, गलत है। शंकर देव को इस रचना का श्रेय दिया जाता है, ये सही है। इसका प्रदर्शन भोजपुरी भाषा में किया जाता है, ये भी आपका गलत है। भावना असम का लोक नृत्य, कहाँ का, असम का, इसका प्रारंभ शंकर देव ने, इसमें गाए जाने वाले गीत संस्कृत भाषा में लिखे लेकिन कालांतर में
उन्होंने बोर गीत के लिए असमिया और ब्रजावली ब्रज बोली का प्रयोग किया है। ठीक है, इसमें सही कथन पूछ रहा था तो केवल दो कथन इसमें सही था। चलते हम लोग 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेड क्रिएटिव प्राइसिंग का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसमें होगा आपका डी, प्रकाशन से पहले ऑडिट रिपोर्ट में से संवेदनशील जानकारी को हटाना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। समाचारों में देखा गया सीथ ब्लाइट शब्द किससे संबंधित है? यह एक कवक रोग है जो चावल के पौधे को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन है हमारा 15। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने शनि के चारों ओर की वलयों का वीक्षण किया है। इसने अंतरिक्ष में हबल दूरबीन को प्रस्तावित किया है। इसे नासा द्वारा वर्ष 2018 में बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। ये भी आपका गलत है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम में से अंतिम मिशन है। इस प्रोग्राम में 4 अंतरिक्ष आधारित वेधशालाएं हैं जो 4 विभिन्न प्रकार के प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करती है। इस प्रोग्राम के अन्य मिशनों में दृश्य प्रकाश हबल स्पेस टेलीस्कोप कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी और चंद एक्सरे ऑब्जर्वेटरी भी शामिल है। यह हबल टेलीस्कोप को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, याद रखिए। और जो आपका स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को नासा द्वारा वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया था, कब? 2003 में, लगभग 16 वर्षों बाद। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को जनवरी 2020 में बंद कर दिया गया। तो इसमें आपका 15 में केवल एक कथन सही था। बात करते हैं 16। समाचारों में देखा गया लिब्रा पद किससे संबंधित है? यह आपका फेसबुक द्वारा एक नई शुरू की गई क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल, लिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अन्य उदाहरण है। उसी तरह आपका लिब्रा भी है। ठीक है, यह फेसबुक द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप, उपज की गुणवत्ता के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयुक्त में से कौन सी अंग्रेजों को की भारत को देन है? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भू राजस्व प्रणाली शेरशाह ने शुरू की थी। भू राजस्व प्रणाली शेरशाह ने शुरू की थी, जिसके तहत एक व्यवस्थित सर्वेक्षण द्वारा भूमि का आकलन और संपत्ति खेती योग्य भूमि की माप की जाती थी। अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य में इस प्रणाली को अधिक विस्तृत रूप दिया गया। अकबर ने भूमि की माप के मानकीकरण की प्रणाली का पालन किया, जैसे प्रति बीघा भूमि पर उपज का पता लगाना और उस उत्पाद में राज्य के हिस्से का निर्धारण करना। पानीपत की जो आपकी पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना के खिलाफ तोपों का इस्तेमाल किया था। राणा सांगा की सेना के खिलाफ वर्ष 1528 में खानवा के युद्ध में बाबर ने इनका इस्तेमाल किया था। ठीक है, माना जाता है कि मैक्सिकन मूल की है, जिसका समय 3500 ईसा पूर्व के आसपास है। यह क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा दुनिया के बाकी हिस्सों में ले जाई गई, जिसने वर्ष 1493 में अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने बाद में पुर्तगाल में लोकप्रिय हुई।
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत तट पर पहुंचा, भारत में मिर्च की शुरुआत की। तंबाकू एक ऐसा पौधा है जो उत्तर और दक्षिण अमेरिकी देशों देसी रूम में उगता है। ठीक, तो इसमें आपका डी था, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है हमारा 18, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग का को अस्वीकार किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। एक और दो कथन आपका सही है, तीसरा गलत है। याद रखिए, अगस्त 2, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज नाम दिया गया। आर्य समाज, जिसे दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया, ने वेदों के त्रुटि होने का हवाला दिया था। आर्य समाज के सदस्य एक ईश्वर में विश्वास करते थे, मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते थे। और जो आपका ब्रह्मा समाज था, वेदों के त्रुटि रहित होने में विश्वास नहीं करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका एक और दो कथन सही है। चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर सी दत्त, तीनों हैं। क्या है? तीनों हैं। याद रखिए एक बात, दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी के सिद्धांत को सामने रखा था, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका। रोमेश चंद दत्त एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में द इकोनोमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया विकसित की थी। और जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, द हिंदू अखबार के संस्थापक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया विकसित की। तो इसमें आपका तीनों थे। क्वेश्चन है हमारा 20। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का के उद्देश्य क्या थे? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका एक और दो कथन सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि इस उद्घोषणा से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समापन और ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश संसद द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण सुनिश्चित किया गया था। तो इसमें आपका एक और दो कथन सही था, तीसरा गलत था। तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग और भी देखते रहेंगे। ठीक है।